प्रदेश के सिवनी में पिछले दिनों गौ तस्करों की शक के चलते दो आदिवासियों की हत्या के मामले में राजनीति तेज हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सिवनी पहुंचा था। कांग्रेस की ओर से सिवनी भेजे गए इस प्रतिनिधिमंडल ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। सिवनी दल में शामिल रहे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भोपाल पहुंचकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और श्रीराम सेना के निशाने पर वह आदिवासी समाज है। आदिवासियों की हत्या बजरंग दल और भाजपा के इशारे पर हुई है। इस मामले में कांग्रेस के पास पुख्ता प्रमाण मौजूद है। आदरणीय सभी साथियों, कल मैं घटना स्थल पर जो हमारे आदिवासी भाइयों पर बजरंग दल और श्री राम सेना के लोगों ने हमला करके हत्या की है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक चुका है। पार्टी के लोग और उनके जो संगठन हैं, उन बजरंग दल, श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, इनके द्वारा आतंक फैलाने के लिए पूरे प्रदेश में खासकर गरीब तबके और आदिवासी इलाके में आतंक फैलाने के ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं और ट्रेनिंग कैंप में ये शिक्षा दी जा रही है कि इन लोगों को धमकाए ताकि आगे चुनाव में आदिवासी भाई भयभीत हो जाए और चुनाव में भाग न लें या भय के कारण कांग्रेस पार्टी का साथ न देकर भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण कर दें। तो 2 मई रात की जो घटना है, पूरे रात को 1:30 बजे कहाँ से पता चल गया बजरंग दल के लोगों को कि ग्राम सिमरिया में धनसा इनावती आदिवासी भाई और सागर गांव जो पास में ही है, सागर, उसके संपत बट्टी गांव में गौ मांस बेच रहे हैं, ऐसा आरोप बजरंग दल और पुलिस के द्वारा FIR में और चर्चा में कहा है। 1:30 बजे रात को ऐसी कौन सा सूत्र था जो जाके उनके घर पहुंचे? हमने पूरे गांव में अलग अलग लोगों से मिले, 1000 की आबादी का कर गांव है, सबसे पूछा तो सबने कहा भाई 1:30 बजे तो हम लोग 8-9 बजे गांव में दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और 8 बजे तो हम सो जाते हैं। जब हल्ला गुल्ला जब घर आए और धनसा को पकड़ के खींचा, उसकी पत्नी ने रोका, भाई ने रोका, लेकिन लाठियों की बौछार, जब पत्नी ने पकड़ लिया बचाने के लिए तो उसको लाठी दी, उसके दाहिने तरफ कंधे पे अभी भी सूजन है। जब उसने और आगे पैर पकड़ लिए उनके, सेरा शेर सिंह राठौर जो बजरंग दल का सरगना है उसके पैर पकड़े, उसने ठोकर मारी, सरगना है उसके पैर पकड़े, उसने ठोकर मारी, धक्का मुक्की की, उसकी बच्ची आई 14-15-16 साल की, उसको धक्का देके पटक दिया और लाठियों की बौछार चालू कर दी। इतने में ब्रजेश बट्टी है, जब पूरे गांव के लोग हल्ला हो गए, निकल पड़े क्या हो रहा है, तो ब्रजेश बट्टी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसको भी हमला किया, उसको भी बेरहमी से घायल कर दिया। और बजरंग दल के ही शेर सिंह ने पुलिस को फोन किया कि आप यहाँ ये मांस बेच रहे हैं, तो करीब 2:30 बजे वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने स्वयं अपनी FIR में लिखा, जब मैं पहुँचा तो शेर सिंह अवधिया कोई चौहान है, 3-4 लोग और भीड़ 15-20 लोग थे, उनको हमला कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे और ये बजरंग दल श्री राम सेना के सदस्य हैं, ऐसा पुलिस ने स्वयं FIR में दर्ज कराया। आज हमें पता चला है भोपाल आने पर, माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ये बजरंग दल और किसी दल के नहीं थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर क्या बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी का अंग है? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बरसों से हमारे
जहाँ शाखा लगाते हैं हमसे भी मिलते हैं और बोलते हैं कि हम लोग सांस्कृतिक संगठन है, हम किसी दल के नहीं है, राजनीति नहीं है, हमारा राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। जब राजनीति से ताल्लुकात नहीं है तो जिस प्रकार मोहन भागवत अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता बड़े संपदा जो सारस के कार्यालय में हो नतमस्तक करने क्यों जा रहे हैं? इनकी डुप्लीकेट पॉलिसी है, कथनी करनी में फर्क है। और यही है, इन्होंने अपने जिस प्रकार कौरव हमारे केशव हमारे पुत्र थे उनके, उसी प्रकार इन्हें 100-150 नए आरएसएस ने संगठन पैदा कर लिए जे इनके पुत्र के पास। इन पर कहाँ से ट्रेनिंग के इनके पैसा लिए आ जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से और सरकार से कि ये कैंप चल रहा है ट्रेनिंग शिविर, ये आपके कल हमारे साथियों ने बताया होगा, ये शेर सिंह राठौर है, लाठी लिए सब खड़े हुए हैं, ये लाने के लिए 7-7 दिन ये ट्रेनिंग केवल लाठी लेके आतंक फैलाने की, प्रदेश में आगामी चुनाव में इतना वातावरण पैदा कर दो, हिंसा फैलाइए ताकि लोग भयभीत हो जाएं और राजनीति में ये लास्ट में खड़ा हुआ है ये शेर सिंह है। और इनका कहना है नरोत्तम जी का कि भाई इनसे कोई हमारे बजरंग दल का संबंध नहीं है, तो ये है चैत नाम नवी हनुमान जनसे प्रसाद जयंत्री विश्व हिंदू प्रसाद बजरंग दल जिला सिवनी, ये इसमें है 3 आरोपी जो है इसमें, एक तो है शेर सिंह राठौर, एक मिनट, दीपक अवधिया, अजय साहू, जो मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं अभी तक उनमें 3 जो है, तीनों के पोस्टर हैं, टीआई ने बयान दिया कुछ और थाना प्रभारी ने भी खुद लिखा है, FIR में दर्ज है, FIR दर्ज कर श्री राम से राखे हैं। और जब जब खुल गई कलई तो पूरे पोस्टर चिपके थे, कहीं दीवार से जल्दी जल्दी पोस्टर हटाए, आरएसएस बिंदु और बजरंग दल के लोग गए जब पोस्टर हटने लगे, जहाँ पोस्टर नहीं हटे तो तत्काल जो 2 लोग तो फोटो थे और वो पोस्टर कागज चिपका दिया। सिवनी में जगह जगह कई जगह से पोस्टर नहीं हट पाए तो उन पर लेके ऊपर से कागज चिपका दिया ताकि ये दोनों के फोटो हट जाए। जी हमारा पूरा कहना ये है कि पुलिस के जब गृह मंत्री बोले हैं सच घटना को, अभी तक पूरे अपराधी नहीं पकड़े गए, हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है कि इनके सरकार के रहते आदिवासी भाइयों को न्याय मिलेगा। जो आपका संपत बट्टी है उसके तो परिवार में 8 महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कोई पुरुष नाम का कोई आदमी बच्चा नहीं, कमाने वाला घर में कोई आदमी सहारा देने वाला कोई व्यक्ति पुरुष नहीं बहे, महिलाएं तड़प रही थी, रो रही थी, उनकी मांग थी, उनकी लगातार वो चिल्ला रही थी कि हमें पैसे नहीं दे हम मजदूरी कर लेंगे, सरकार एक पैसा न दे हमें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें न्याय मिले न्याय। इसके बाद उन्होंने जो सवाल पूछे मुझसे कि जब शिवराज सिंह का डोजर छोटी छोटी घटनाओं पर चल रहा है तो हमारी मांग है कि अपराधियों के घर पर भी डोजर चले। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रात को 1:30 बजे नरोत्तम मिश्रा जी मेरे साथ चले, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ आदिवासी भाई हैं रहते हैं, रात को 1:30 बजे किसी घर में बता दें कि रोटी बन रही हो, खाना खा रहे हूँ, गाँव में दिन भर मजदूरी करने वाले लोग रात को उनका रात हो जाती है 7-8 बजे सो जाते हैं, इतने थक जाते हैं 1:30 बजे वो। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ गौ मास के प्रमाणित कैसे, गांव वालों ने एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि यह मास था। और फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से कि अगर गौ मास आपने उनके हिसाब से था तो क्या गौ मास के कुल्हाड़ी जब काट के गाय काटी कुल्हाड़ी वहाँ रख दी उसी बोरी में हसिया रख दिया
और ये कहाँ से प्रमाणित हो गया, कौन सी जांच हो गई थी कि जो गौ मास है जंगल में? हो सकता अगर उसकी सही परीक्षण कराया जाता तो जरूरी नहीं था कि गौ मास होता, बकरे का भी हो सकता है। मांस खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, नॉन वेज पे। कांग्रेस पार्टी की मांग है, मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कोई विश्वास नहीं, इसकी एजेंसियों पे। सीबीआई भी भारतीय जनता पार्टी के नौकर बन के काम कर रही है, आदेश का पालन करती है। सीबीआई हो गई है विरोधियों को फंसाने के लिए। किसको फंसाना है? इसलिए हमारी एकमात्र मांग है कि सरकार को तत्काल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह में जरा थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, और उनके गृह कृषि मंत्री के हिसाब से उन्होंने टंट्या मामा घोषित कर दिया कमल पटेल ने, तो अगर टंट्या मामा में थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो तत्काल न्यायिक जांच की घोषणा करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी प्रदेश की जनता के सामने आ सके। कांग्रेस दंगा कर दी तो आप क्या कर रहे हैं? आपको हट जाना चाहिए सरकार में। अगर कांग्रेस आप बैठे हो, इतने आयोग अक्षम हो, इतनी आप में क्षमता नहीं है, तो आप पद छोड़ के घर बैठो। अब आप इतने आयोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्यों कुर्सी पर बैठे हुए हो? जब आप अगर दंगे हम करा रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जी मिश्रा जी से कोई चर्चा नहीं, उन्होंने कहा मैं संसदीय मंत्री होने के नाते आपके घर बधाई देने आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा फोन पे ही दे दीजिए, आप काहे को कष्ट कर रहे हैं हम तक। बोले नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी ड्यूटी है, संसदीय कार्य मंत्री का कर्तव्य है, धर्म है हमारे, आप भी रहे हो, आपने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि संसदीय कार्य मंत्री को सभी दलों से नेताओं से संपर्क करने चाहिए, इसको अपना कर्तव्य निभाने आ रहे हैं, और साथ में फोटो वाले को ले आए, साथ में आए फोटो ले आए हमने जिकाए के लिए। बोले ये अखबार में छपवाने के लिए उन्होंने हाल फोटो लिए। दरअसल सिवनी जिले में गौ तस्करी के शक के चलते उग्र भीड़ ने आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत का सिलसिला तेज हो चला है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।